दोस्तों 2024 का लोकसभा चुनाव अपनी आखिरी चरण की तरफ बढ़ रहा है, तो वहीं देश में आज छठे चरण के मतदान जारी हैं। जहां देश में आज छठे चरण के मतदान जारी है, तो वहीं रातों रात ईवीएम बदलने का सिलसिला भी देखने को मिला और उस वक्त बवाल मच गया जब रात के अंधेरे में स्ट्रांग रूम की बिजली गुल करके ईवीएम बदलने का काम किया जा रहा था। वहीं सुबह होते ही बूथ पर जगह जगह ईवीएम खराब होने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और जब सवाल खड़े हो रहे हैं तो जनता खुद ही अपने वोट की रक्षा करने के लिए तमाम देश भर में जहां वोट हो चुके हैं स्ट्रांग रूम के बाहर में पहरेदारी कर रही है। और जब पहरेदारी कर रही है तो बड़ी बड़ी चीज़ें अपनी आंखों से होती हुई रातों रात देखी गई, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में बवाल मच गया। किस तरीके से वीडियो सामने आया है, पहले इस वीडियो पर नज़र डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से रात को स्ट्रांग रूम की बिजली गुल करके ईवीएम बदलने का काम जो है वो किया जा रहा था। और जब जनता ने खुद ही इसकी शिकायत सोशल मीडिया पर हर जगह की, तो खुद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस बारे में संज्ञान लेने को कहा। और ये साफ तौर पर अपने ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि हमीरपुर ने जहां चुनाव के बाद ईवीएम रखे हुए हैं, वहां के स्ट्रांग रूम में पांचवी बार बिजली कटी है। चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन इसका तुरंत संज्ञान ले। सभी सपा प्रत्याशियों और जुझारू कार्यकर्ताओं से यही अपील है कि इसी तरह पूरे प्रदेश में ईवीएम के स्ट्रांग रूम पर निगाह रखें, गड़बड़ी की किसी भी आशंका की सूचना हमें दें। हमीरपुर के सपा के समर्पित सभी सक्रिय कार्यकर्ताओं को सचेत सतर्क रहने के लिए बधाई। आपकी सजगता की जीत का आभार बनेगी। याद रखिए, जब तक हाथ में जीत का हम प्रमाण नहीं, तब तक विश्राम नहीं। मतलब जब छठे चरण के मतदान हो रहे हैं, वोटिंग डाली जा रही है, तो अब अखिलेश यादव की तरफ से ये संज्ञान और ये ऑर्डर अपने कार्यकर्ताओं को साफ तौर पर दे दिया गया है कि जब तक हाथ में जीत का प्रमाण नहीं, तब तक विश्राम नहीं। इसलिए प्रदेश भर में या देश भर की बात करें तो जगह जगह इसी तरीके से इंडिया अलायंस के कार्यकर्ता जहाँ ईवीएम रखी गई है उस स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रहे हैं, जो कि वीडियो सामने आया। केजरीवाल ने के जरिए भी ये बातें रखी गई, अखिलेश यादव ने भी ये बातें रखी हैं। तो वहीं आप देख सकते हैं कि छठे चरण में जब वोटिंग की जा रही है तो जगह जगह ईवीएम खराब होने की शिकायत मिल रही है, जो कि आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी ने जगह जगह एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और उस हेल्पलाइन नंबर पर ये शिकायतें लगातार मिल रही हैं, जहाँ ये बताया गया कि सुल्तानपुर के इसौली में बूथ संख्या 280 पर ईवीएम खराब हुई है। इलाहाबाद लोकसभा के बेजा में बूथ संख्या 187, 329, 330 एवं 331 ईवीएम खराब हुई है। वहीं श्रावस्ती लोकसभा के बिनागा में बूथ संख्या 364 पर ईवीएम खराब हुई है। वहीं फूलपुर लोकसभा के फाफमाऊ में बूथ संख्या 370 पर ईवीएम खराब हुई है। वहीं जौनपुर लोकसभा की मल्हानी विधानसभा में बूथ संख्या 192 पर ईवीएम खराब होने की शिकायतें मिल रही हैं।
वहीं आजमगढ़ लोकसभा की भोपालपुर विधानसभा में बूथ संख्या 171 282 पर ईवीएम खराब हुई है। वहीं आजमगढ़ लोकसभा की सगड़ी विधानसभा में बूथ संख्या 37 पर ईवीएम खराब होने की शिकायत मिली है। वहीं आजमगढ़ की लोकसभा गोकुलपुर विधानसभा में बूथ संख्या 23 पर ईवीएम खराब होने की सूचना दी गई है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर ईवीएम रातों रात बदली जा रही है। और सुबह होते ही जब वोटिंग में ईवीएम जा रही है तो सुबह के पहले चरण में ही, मतलब 7 बजे से लेकर के सुबह शाम के 6 बजे तक वोटिंग की जाएगी, और जब सुबह के समय पर ही ये मशीनें खराब होंगी तो वो टाइमिंग आगे दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है ये अधिकारी तय कर रहे हैं। क्योंकि बीते 5 चरणों के चुनाव में ये रिपोर्ट मिली है कि अगर सुबह में ईवीएम खराब होने की वजह से वोटिंग बाधित हुई है तो एक्स्ट्रा टाइम उस दौरान नहीं बढ़ाया जा रहा, जिसमें ये सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। और आपको बता दें कि आज 6ठे चरण में तकरीबन 58 सीटों पर देश भर में वोटिंग की जा रही है, जिसमें आप की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 14 सीटों पर मतदान जारी है। वहीं 162 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। हरियाणा में 10 सीटें हैं और 223 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। बिहार की 8 सीटें, और 8 सीटों में सबसे ज़्यादा नज़र बनी है तो वो है सिवान की सीट, जहां पर हीना साहेब खुद चुनावी मैदान में निर्दलीय लड़ रही हैं, जिसमें 8 उम्मीदवार हैं और 86 उम्मीदवार हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल की 8 सीटें हैं, 89 उम्मीदवार हैं। वहीं दिल्ली में 7 सीटें हैं, 162 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। वहीं उड़ीसा में 6 सीटें हैं और 64 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। झारखंड में 4 सीटें हैं और 93 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। वहीं जम्मू कश्मीर की 1 सीट जहां पर वोटिंग चल रही है, उसमें महबूबा मुफ्ती की सीट है, जहां पर तकरीबन एक ही सीट पर 20 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे गए हैं, जहाँ तकरीबन कुल 58 सीटों पर आज मतदान जारी है। और मतदान जब जारी है तो जगह जगह ईवीएम खराब होने की वजह से और रातों रात ईवीएम बदलने का जो सिलसिला है, उससे कहीं ना कहीं वोटरों में एक निराशा भी है और वोटर पूरी तरीके से सक्रिय भी हैं। जो जगह जगह ईवीएम जहां रखी गई उस स्ट्रांग रूम की पैनी नज़र बना करके निगरानी कर रहे हैं, जिससे ये तो तय है कि कहीं ना कहीं रिजल्ट इस तरीके से आने वाले हैं जिसे भारतीय जनता पार्टी हताश भी है और परेशान भी। हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूँगा। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।